नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि गुरु के पर्वत पर बनने वाला त्रिकोण का साइन क्या कुछ कहता है। कहते हैं ना, जिसको गुरु की कृपा मिल जाए, गुरु का संदिग्ध मिल जाए, जीवन में जीवन उसका धन्य हो जाता है। ऐसे लोगों को परमात्मा नेतृत्व करने की क्षमता दे देता है। किसी प्रशासनिक सेवा में अवसर अवश्य प्राप्त होता है। और ऐसे लोगों को अगर आप देखें, जीवन में पॉलिटिकल कनेक्शन जुड़ जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर ले। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारी जितनी सुंदर और सुशील होगी, जीवन उतना बेहतर और अच्छी लाइफ मिलेगी। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों के बारे में बताती है। हम किसी बात को कितने गहराइयों में चाहते हैं उसके बारे में बताती है। मन मस्तिष्क और विकास विकार की बात करें, अगर मन ही आपका अच्छा है तो मस्तिष्क अच्छा है तो जीवन में उस गहराइयों में आप जरूर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हृदय रेखा। हृदय रेखा एक दूसरे के संपर्क को बताती है, एक दूसरे के नजदीकों को बताती है। तो आज मैंने बात की है कि गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाले शुभ प्रभाव या शुभ चिन्ह। यहां पे जो शुभ चिन्ह की बात करें तो यहां पर वर्गाकार देखें, माफ करना त्रिकोण, ये त्रिकोण। त्रिकोण काफी शुभ साइन माना जाता है। ऐसे लोगों का जीवन अगर देखें तो काफी सार्थक हो जाता है। कहते हैं गुरु का ज्ञान मिला हो और जीवन में खूब उनके परिवर्तन हो और जीवन में समृद्धि सुख की तरफ लेके जाता है। ये चिन्ह ऐसा महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है। अगर ऐसे लोगों को आप देखें तो राजनीति के क्षेत्र में और सरकार के क्षेत्र में ऐसे लोग अवश्य बढ़ते हैं। राजनीति में अगर आप देखें, जितना बड़ा यहां पर त्रिकोण बनेगा, कई बार आपने देखा है कि सरकार के लोग सरकार की सेवाएं करते हैं तो उनके हाथों में भी आप ऐसा चिन्ह देख सकते हैं। यह जो राजनीति के क्षेत्र में होते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, जिसके हाथों में ऐसा चिन्ह बना वो राजनीति के क्षेत्र में भी जाते हैं। और कहते हैं ऐसे लोगों को नेतृत्व करने की क्षमता, बोलने की क्षमता, एक दूसरे की मदद करने की क्षमता होती है। और ये गुरु की फिंगर सीधी हो और इसके ऊपर बना हुआ ये शुभ चिन्ह जीवन में महत्व कांक्षाओं को बताता है, आपके आपके नेतृत्व करने की क्षमता को दिखाता है, आप जीवन में ऊंचाइयों की बढ़ने की क्षमता को दिखाता है, आपकी प्रोग्रेस की क्षमता को दिखाता है। और ये गुरु का एक ऐसा विज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र माना जाता है। ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं, धार्मिक नेचर वाले होते हैं, लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, लोगों की मन की बात को समझने वाले होते हैं। और ऐसे लोग जीवन में अवश्य सरकार की क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।